मैं डॉक्टर संजय विनायक, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन अटलांटा हॉस्पिटल से हूँ, और मैं लोकमत न्यूज़ के आपकी सेहत आपके हाथ कैंपेन का सपोर्ट करता हूँ। आज हम एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है हाइपरटेंशन। ये बड़ी कॉमन सी बीमारी हाइपरटेंशन है जो कि यंग लोगों में भी मिलती है और बुज़ुर्ग लोगों में भी मिलती है, और इसके मुख्यतः दो कारण होते हैं। एक तो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है जिसका कोई रीज़न नहीं होता, लेकिन ये लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है जिसमें कि वेट गेन होना या फिर खान पान की अपनी आदतें हैं जो उसकी वजह से होता है। और दूसरी एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है जो कि किडनी की वजह से होता है, जिनकी किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर किडनी अफेक्टेड होती है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या कोई ट्यूमर होता है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो बेसिकली आज हम प्राइमरी हाइपरटेंशन पे बात करेंगे जो कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जो कि उन लोगों को होती है जो फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, जिनका वेट बढ़ रहा होता है और बिल्कुल इनएक्टिव रहते हैं, उनको हाइपरटेंशन की बीमारी ज़्यादा होती है। और ये आजकल यंग लोगों में भी काफ़ी देखने को मिल रही है, जो कि खान पान इनका ठीक नहीं होता, जो कि जंक फूड ज़्यादा लेते हैं और कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन लोगों को भी ये बीमारी बहुत कॉमनली होती है। अब ब्लड प्रेशर से बचने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने खान पान को चेंज करना पड़ेगा, हमें ये जंक फूड फास्ट फूड अवॉइड करना पड़ेगा, हमें नमक कम खाना पड़ेगा, अपने खाने में नमक की मात्रा को कम करना पड़ेगा, डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा, डेली रेगुलर फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, हमें हमारे वेट को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर हम अपने वेट को कंट्रोल में रखेंगे, फिजिकल डेली एक्सरसाइज करेंगे, खाने में नमक का कम सेवन करेंगे, जंक फूड अवॉइड करेंगे, फास्ट फूड अवॉइड करेंगे, तो हम ब्लड प्रेशर की समस्या से बच सकते हैं।